नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी को मुस्तफा बाजार मजगांव स्थित शिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनके बेटे जावेद सुबह ही पार्थिव देह को लेकर कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। हालांकि करीब 1:30 बजे तक परिवार को जगदीप के पोते और जावेद के बेटे मीजान जाफरी के आने का इंतजार करना पड़ा, जो किसी काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे। मीजान जाफरी करीब 1 बजे मुंबई पहुंचे, इसके बाद सीधे कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने दादा जगदीप को अंतिम विदाई दी। बुधवार रात करीब 8:30 बजे मुंबई स्थित घर में जगदीप का इंतकाल हुआ। वे अभिनेता जावेद और नावेद जाफरी के पिता थे। उनकी मुस्कान नाम की एक बेटी भी है। बताया जा रहा है कि 81 साल के जगदीप लंबे समय से बीमारियों से परेशान चल रहे थे। जगदीप रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जो कि 1975 में आई थी, के किरदार सुरमा भोपाली के नाम से पॉपुलर थे। यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि इस किरदार की खोज का क्रेडिट भी उन्हें जाता है। दरअसल जब शोले के राइटर सलीम जावेद कहानी लिख रहे थे, तब जगदीप ने खुद उन्हें भोपाल के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में बताया था, जिसे सुरमा कहा जाता था। जगदीप ने सुरमा की खासियत के बारे में भी सलीम जावेद के साथ डिस्कशन किया था, जिन्हें फिल्म में शामिल किया गया। यह खुलासा खुद जगदीप ने एक इंटरव्यू में किया था। जगदीप ने बतौर निर्देशक किरदार सुरमा भोपाली पर 1988 में इस टाइटल के साथ फिल्म बनाई और उन्होंने ही इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। फिल्म को उनके बेटे नवेद ने प्रोड्यूस किया था। अमिताभ बच्चन, रेखा और धर्मेंद्र ने इसमें कैमियो किया था। 29 मार्च 1939 को जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही B.R. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से मास्टर मुन्ना के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। लगभग 400 फिल्मों में नजर आए जगदीप ने बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से कॉमेडी में कदम रखा था। बाद में ब्रह्मचारी, नागिन, आर पार, हम पंछी एक डाल के, दिल्ली दूर नहीं और अंदाज अपना अपना जैसी कई फिल्मों में कॉमिक किरदार निभाते देखा गया। कॉमेडी के साथ साथ जगदीप ने रामसे ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर और सामरी जैसी हॉरर फिल्मों में भी काम किया। जगदीप ने 5 फिल्मों में लीड रोल भी किया था। इनमें बिंदिया, बरखा और भाभी शामिल हैं। जगदीप आखिरी बार 2017 में आई फिल्म मस्ती नहीं सस्ती में नजर आए थे। अली अब्बास चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके को एक्टर प्रेम चोपड़ा, कादर खान, जॉनी लीवर, शक्ति कपूर और रवि किशन थे। उनका जाने से बॉलीवुड में कॉमेडी के उस युग का अंत है, जिसे महमूद, जॉनी वॉकर, केस्टो मुखर्जी, राजेंद्र नाथ और जगदीप जैसे कलाकारों ने जिया था।